हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले हैं दही मिर्ची, जिसे दही में भिगो के बनाया जाता है। ये दही मिर्ची खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और हर खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं, चाहे वो दही चावल हो, खिचड़ी हो या दाल चावल। साथ में अगर ये दो मिर्च दो तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। तो ऐसे आसान से स्वादिष्ट और क्रिस्पी दही मिर्ची आज हम बनाएंगे। तो ऐसे आसान से दही मिर्च के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मिर्च है, ये मोटी वाली मिर्च है। आप जो मिर्ची आपको पसंद है उसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की मोटी और छोटी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो या पतली मिर्च का भी, वो डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर। और ये है 250 ग्राम खट्टी दही, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर है, 1/4 टीस्पून हींग है, नमक स्वाद अनुसार है और 1/4 टीस्पून हल्दी। हल्दी कम्प्लीटली ऑप्शनल है। सबसे पहले मैंने मिर्च को धो के पोंछ लिया, उसके बाद मैं इसमें चीरा लगा रही हूँ। चीरा लगा के मैं इनको ऐसे यूज़ कर रही हूँ, मैं इसमें का बीज नहीं निकाल रही हूँ। अगर आप चाहते हो तो बीज निकाल सकते हैं, पर दही में डालने के बाद मिर्च का तीखापन अपने आप कम हो जाता है। अब मैंने सारे मिर्च को काट लिया है, सारे मिर्च को काट कर अब मैं इसमें रख रही हूँ साइड में। अब मैंने लिया है एक प्लास्टिक का बर्तन। प्लास्टिक के बर्तन की जगह आप कांच का भी बर्तन यूज़ कर सकते हो, पर हमें स्टील, एल्युमिनियम, पीतल, तांबा इनका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि दही डालकर हम लोग रखेंगे तो बर्तन ख़राब हो सकता है। अब मैं डाल रही हूँ दही। दही डालकर इसे हमें अच्छे से फेंटना है। फेंटने के लिए आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं हैंड विस्कर का यूज़ कर रही हूँ। अब इसे हमें अच्छे से फेंटना है। फेंटने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ हींग और हल्दी। हल्दी मैं जस्ट कलर के लिए डाल रही हूँ, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। फिर भुना जीरा पाउडर और नमक। नमक यहाँ पे मैंने अराउंड छोटे स्पून से 1 टीस्पून जितना डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद नमक ज़रूर टेस्ट कर लेना, अगर नमक कम है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर लेना। अब मैंने इसको काफ़ी अच्छे से फेंट लिया, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ है। इस तरीके से होना ज़रूरी है। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे मिर्च को। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर सकते हैं, अगर दही कम है तो। अब मैंने सारी मिर्च को डाल दिया है। मिर्च दही में अच्छे से डूबना चाहिए। अब मैं इसको अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसे हमें 2 से 3 दिन तक इसी तरीके से दही में रहने देना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप 24 घंटे भी रख सकते हैं, पर इसे अगर हम लोग 2 या 3 दिन तक रखेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा और इन मिर्चों का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब मैं इसे ढक के रख रही हूँ साइड में। अब मैं आपको दिखाती हूँ 3 दिन बाद। मैंने 3 दिन तक मैंने इसे दही में ऐसे रहने दिया और हर 12 घंटे बाद, मतलब सुबह शाम, मैंने मिर्च को ऊपर नीचे करके मिक्स कर लिया है ताकि दही इवनली सारे मिर्च में अच्छे से लग जाए। अब मैं आपको एक मिर्च उठा के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं मिर्च का कलर एकदम चेंज हो गया, ये थोड़े से लाइट कलर के हो गए हैं। जब हमने डाला था ये एकदम ग्रीन थे, अब इनका कलर एकदम लाइट हो गया। ऐसा होना ज़रूरी है, अगर ऐसा हो जाता है तो मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। अब हम इन्हें निकाल के सुखाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन्हें 24 घंटे भी रख सकते हैं, 24 घंटे बाद भी निकाल कर आप इन्हें सुखा सकते हैं। अब मैंने निकाल रही हूँ प्लेट में। प्लेट में निकाल के मैं इन्हें सुखाऊंगी। आप चाहो तो कपड़े पे या पॉलीथीन शीट पर भी इन्हें सुखा सकते हैं। इन्हें प्लेट में निकालने के बाद इन्हें सूखने में 3 से 4 दिन का टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। कभी कभी ये 3 दिन में भी सूखे रेडी हो जाते हैं, पर इन्हें एकदम कड़क सुखाना ज़रूरी है, तभी हम इन्हें साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं इन्हें रख रही हूँ धूप में। धूप में रख कर मैं इन्हें अच्छे से सुखा लूँगी। ये मिर्च की रेसिपी बहुत आसान है, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अब मिर्च अच्छे से सूख गए। इन मिर्च को सूखने में पूरे 4 दिन का टाइम लगा है, पर मिर्चियों को एकदम कड़क सुखाना ज़रूरी है। अब मैंने निकाल रही हूँ प्लेट में। प्लेट में निकाल के मैं आपको फ्राई करके भी दिखा दूँगी। आप देख सकते हैं मिर्ची एकदम कड़क और एकदम क्रिस्पी अच्छे से सूख गई है। इतना सूखना ज़रूरी है, वरना इसमें नमी आ जाएगा और हम ज़्यादा दिन तक इसे नहीं रख सकते हैं। अभी मैंने तेल गर्म होने रख दिया। तेल जैसे गर्म हो गया मैंने इसमें डाला है मिर्ची। तेल में डालते साथ ही मिर्ची तुरंत फ्राई होकर रेडी है। बस इसी तरीके से जब भी आपको खाना है इन्हें निकाल के आप फ्राई कर लेना। पर अगर आप साल भर के लिए मिर्च बना रहे हो तो 2-3 महीने में एक बार निकाल कर इन्हें धूप ज़रूर दिखा देना, और मिर्चियों को एकदम अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप भी ये टेस्टी और क्रिस्पी दही वाली मिर्ची ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।